गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ SPM, जो हमारा कंटिन्यूइंग टॉपिक था। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिमांड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ मार्केट हमने डिस्कस किया था, फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, फिर हम देखे थे कि क्या क्या फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना, और एक्सेप्शंस देखा था लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब याद होगा। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट ये सब पढ़ा था। आज का हमारा नया टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, मतलब जो डिमांड का जो कर्व है ना, जो हमने पढ़ा था, जो हमेशा स्लोप होता है ऐसा, उसके बारे में हमने जो पढ़ा था उसकी इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलास्टिक मतलब पता है ना, वो जो अपने पैंट में लगे रहता है, इलास्टिक मतलब जैसे खिंचाव, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, कितना भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारा कर्व रहता है उसका खिंचाव ऐसे ऐसे अलग अलग रहता है, तो वो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्वांटिटी में चेंज आता है, क्यों आ रहा है मैम चेंज, क्योंकि हमारा प्राइस चेंज हुआ है। आज प्राइस 10 रुपये था, कल प्राइस 20 रुपये हो गया। प्राइस के बदलाव के वजह से जो क्वांटिटी में डिमांड में फर्क आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक रिलेशनशिप है जो अपन इस फॉर्मूले से डराइव करते हैं, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। पहले डिमांड का बदलाव, उसको डिवाइड करेंगे बदलाव ऑफ प्राइस से। कितने टाइप की इलास्टिसिटी हो सकती है, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। हम डिटेल में पढ़ते हैं परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है। ठीक है, स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग इन्फिनिटी चेंज इन डिमांड इन इज नोन एज परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, मतलब एकदम छोटा सा चेंज आया प्राइस में, शेयर मार्केट में जब प्राइस में चेंज आता है ना, तो समझ लो आज यहाँ पे था मार्केट और थोड़ा सा चेंज में थोड़ा सा कम हुआ, फट बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज आ जाती है। लोगों को लगता है अरे मार्केट अब ऐसे गिरेगा, अब ऐसे गिरेगा, अब ऐसे गिरेगा, ऐसे 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 करके गिरेगा। तो ये जो डिमांड में हल्का सा प्राइस में एकदम हल्का चेंज आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड में अफेक्ट आ जाता है, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें कैसा हो जाता है हमारा कर्व बताऊं, देखो ये हमारा कर्व रहता है, ये हमारी वाई एक्सिस रहती है, हमारी एक्सिस रहती है, तो हमारा पूरा कर्व ऐसे हो जाता है। प्राइस कितना चेंज हुआ, एकदम कम, बट उसके वजह से डिमांड कितनी भी चेंज हो सकती है। क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या होता है प्राइस, यहाँ पे क्या होता है डिमांड। परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड में क्या होता है गाइस, एकदम थोड़ा सा प्राइस में चेंज होता है, जिससे चेंज इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन डिमांड। मतलब आप प्राइस कितना भी बदल लो, आज 100 था, कल 50 कर लो, परसों 200 कर लो, उसके बाद 300 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी प्राइस कर लो, इसकी डिमांड जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ये हमारा अगर मैप है, ग्राफ है, उसमें हमारी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये ऐसे रहता है। आपका प्राइस कुछ भी रहे, पहले 10 था, फिर 20 था, फिर 30 था, कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डिमांड इतनी थी तो इतनी ही रहेगी, हमारी डिमांड चेंज नहीं होगी। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का मतलब हल्का फुल्का चेंज होगा, मतलब प्रोपोर्शनली डिमांड में चेंज होगा, बट उससे ज़्यादा चेंज हो जाएगा प्राइस में। मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, बट उसके प्रपोर्शनेट में जो प्राइस का चेंज है वो कम होगा। नहीं समझ में आया मैम, देखो, इफ प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस का फर्क हो रहा है 5% का चेंज, तो डिमांड का परसेंटेज 10% होगा। तो रिलेटिवली कम हुआ ना प्राइस में चेंजेस, और इसमें चेंजेस ज़्यादा हो रहा है, डिमांड में चेंजेस ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस, तब हम बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक। इसी का उल्टा हो जाएगा, डिमांड में हो रहा है 5% चेंज और प्राइस में हो रहा है 10% चेंज, तो उस केस में क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाएगा। क्लियर, यूनिटरी क्या होता है,
इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्राइस आर इक्वली, ये भी 10% से चेंज हुआ, ये भी 10% से चेंज हुआ, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी। क्लियर? याद करा देती हूँ मैं एक सेकेंड में आपको। देखो जब से जब ना डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिक, और जब प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा तो बोलेंगे इन इलास्टिक। ठीक, वैसे ही इसमें भी है, अगर डिमांड में चेंज आता है, नहीं प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है तो इलास्टिक, और डिमांड प्राइस में चेंज आता है बट डिमांड बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो देखो ये आई है ना, आई फॉर, ये ग्राफ याद रखना ऐसे होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ऐसे रहता है। तब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड अपनी जगह पे स्टेबल है एकदम। क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है गैसेस करना कि आज डिमांड इतनी हो सकती है, कल इतनी हो सकती है, लाइक तुक्का लगाना। क्लियर? एक्यूरेट अपन को निकालना कि कितना हो सकता है। तो देखो एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर डिमांड मतलब हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो हम सोच रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करना होता है, ठीक है। द डिमांड इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्ट, ठीक है। एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट इज स्पेशली फॉर द फर्म टू एबल इट फॉर प्रोड्यूस रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट द सिंगल टाइम एंड अरेंज इन एडवांस फॉर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना रिलेवेंट नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं। हमारे डिमांड फोरकास्ट में क्या चीज़ फैक्टर इन्वॉल्व रहता है वो पढ़ना है हम लोग को। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, टाइम इंपॉर्टेंट रहता है, लेवल इंपॉर्टेंट रहता है ना, दो ही दिया हुआ है। जनरल स्पेसिफिक पर्पस फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट होता है, नेचर होता है प्रोडक्ट का, सॉरी कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर? तो अपन सबको अच्छे से डिटेल में देखते चलो। टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम सोच रहे हैं कि आगे की डिमांड कैसी होगी, सोच जब भी मैं सोचना बोलूंगी तो आप फोरकास्टिंग मानना। तो जब भी हम सोच रहे हैं कि आगे की डिमांड कैसे होगी, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का हम देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग एक साल लेंगे और लॉन्ग टर्म में हम एक साल से ज़्यादा लेंगे। क्लियर? तो ऐसे टाइम फैक्टर होते हैं। लेवल कैसे होता है, तो देखो तीन टाइप की लेवल होती है, एक मैक्रो लेवल, एक इंडस्ट्री लेवल और एक फर्म लेवल। हम यहाँ पे हैं तो हम फर्म हैं, हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये हमारी इकोनॉमी है जो कि मैक्रो इकोनॉमी है। क्लियर? तो ऐसे टाइप का अपन लेवल देखते हैं। जहाँ पे होल इकोनॉमी में कंडक्ट कर रहा है बिजनेस उसको मैक्रो लेवल बोलते हैं, जहाँ पे सबके साथ कॉम्पीट कर उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, और जहाँ हम खुद खड़े हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ से है उसको फर्म कहते हैं। तो जब भी आप सोचोगे तो आपको तीनों लेवल में सोचना है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ आज उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे कॉम्पिटिटर्स में और इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको तीनों में अच्छे से सोचना है। जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस फैक्टर मे फाइंड आइदर अ जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। आप या तो जनरली कह सकते हो कि जनरली ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे अपन वेदर के लिए कहते हैं जनरली ऐसा समर के सीजन में अक्सर बारिश होती है। आप स्पेसिफिकली ये कह सकते हो कि अगस्त जो है उसमें स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये जनरल और स्पेसिफिक होता है। क्लियर? देन प्रोडक्ट वाइज भी आप कर सकते हो फोरकास्टिंग। आपका प्रोडक्ट होगा तो आप अपने न्यू प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हो कि अभी मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ तो मुझे अभी सोचना चाहिए, या तो आप सोच सकते हो यार मेरे पुराने प्रोडक्ट को मैं कैसे सेल करूँ, मेरे को ये सोचना चाहिए, या आप दोनों के बारे में एक साथ सोच सकते हो। तो प्रोडक्ट के हिसाब से सोचते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत मैटर करता है कि आप किसके बारे में सोच रहे हो। जैसे कि आपका जो भी सामान है, समझ लो आप स्मार्टफोन्स बनाते हो, तो अगर आप स्मार्टफोन बनाते हो तो आप डायरेक्टली आप चाहोगे कि आपके कस्टमर के बारे में, मतलब आप ही कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे हो ना। क्लियर? बट अगर आप बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स खरीद बनाते हो, जैसे कि आप फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन बना रहे हो, तो फ्लोर ग्राइंडिंग मशीन एक पर्टिकुलर कस्टमर खरीद के क्या करेगा, वो तो ऐसे ही नॉर्मली जाके ग्राइंड करवा लेगा ना बाहर, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए डिफरेंट सोचना रहता है, और अगर आप स्मार्टफोन बना रहे हो या फिर कोई कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की थिंकिंग होती है फॉर डिमांड फॉरकास्ट। क्लियर? कंपटीशन भी मैटर करता है ड्यूरिंग फॉरकास्टिंग, कि कंपटीशन कितना है आपके मार्केट में, पर्टिकुलरली कौन से मार्केट में आप हो और आपकी क्या सिचुएशन है। आप उस मार्केट की लीडर हो या आप अपने जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप सर्वाइवल हो, वॉरियर हो, क्या हो। क्लियर? देन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर जो रहता है वो किस तरीके से सोचता है, कैसी चीज़ों में कैसा एक्ट करता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली डिमांड फोरकास्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब मैम कैसे करेंगे, समझ तो गए क्या करना है बट कैसे करेंगे,
चलो गाइस देख लेते कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सर्वे ले सकते हो। सर्वे मेथड, आपने बहुत सर्वे फॉर्म भरे होंगे, सर्वे सर्वे कॉल्स आते हैं सर्वे का, तो उस तरीके से आप सर्वे ले सकते हो, लोगों के ओपिनियन ले सकते हो। ओपिनियन सर्वे से आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है। एक बार क्या हुआ था कि ना, मेरे को कॉल आया था एक, और उस कॉल पे ना पूछ रहे थे आप सबसे ज़्यादा कौन से सीरियल्स देखते हो टीवी में, क्या आप ये सीरियल देखते हो, क्या आप वो सीरियल देखते हो। तो वो लोग क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। ठीक है, देन थ्री टाइप ऑफ सर्वे हो सकता है इसमें भी, इल्यूमिनेटर सर्वे, डिल्फी, सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फर्स्ट देखते हैं। दिस इज अ मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड इन शॉर्ट रन। कस्टमर आस्क क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड बाय कस्टमर। समझ लो आप डायरेक्टली, आप एक कैफे गए, कैफे में गए तो वहाँ का जो मैनेजर वो डायरेक्टली आपके पास आया आपके खाना खाने के बाद, और आपसे डायरेक्टली पूछा खाना कैसा लगा सर। तो उस केस में ये क्या हुआ, 100% इल्यूमिनेटर सर्वे हुआ, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और आप डायरेक्टली उसका आंसर दे रहे हो कि हाँ मिर्ची कम थी खाने में, खाना थोड़ा ठंडा था, बट ठीक है आपकी सर्विसेज अच्छी थी, फैसिलिटी और इंटीरियर अच्छा था, तो इस टाइप से आप बताते हो। क्लियर। इस डिल्फी मेथड पे क्या होता है, इसमें हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं प्रोसेस का, जो कॉन्सेस करते हैं एक्सपर्ट्स, ठीक है, और वो लोग इंगेज रहते हैं एनालाइज करने में, इकोनॉमिक कैसे कंडक्ट हो रही है, सैंपल वगैरह लेते हैं मार्केट से और पोल वगैरह कंडक्ट कराते हैं कि कितने परसेंट लोग ये चाहते हैं, कितने परसेंट लोग वो चाहते हैं, उस टाइप से। ठीक है, फिर सेल फोर्स ओपिनियन सर्वे। सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे में क्या होता है, सेल्समैन जो रहता है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो एस्टिमेट करेगा सेल्स को, ठीक है, और उसके हिसाब से अपना जोन बांट लेते हैं उन लोग, और उसके हिसाब से कस्टमर का रिस्पॉन्स लेते हैं। जैसे अपने आते हैं ना सेल्समैन लोग सर्वे करने, बहुत ओल्ड मेथड हो गया ये, बट ऐसा करते थे। ओपिनियन सर्वे मेथड पे प्योरली बेस्ड रहता था डाटा के, जिसमें का घर घर जाते थे कस्टमर्स के और पूछते थे उनसे। ठीक है, अब ये फ्यूचर में वैसे भी कोई सक्सेस है नहीं इसका। ठीक है गाइज, अब अपन चलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर। ठीक है, मतलब अब कुछ मेथड्स है जिससे अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। फर्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज मेथड। तो आपको पता ही गई, सिंपल एवरेज में क्या लेते हैं अपन, क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स रहते हैं उनका टोटल करके डिवाइड बाई कर देते हैं 12, या फिर नंबर सॉरी डिवाइड बाई अपन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कर देते हैं। यहाँ पे अगर 12 मंथ है तो अपन 12 ले सकते हैं। क्लियर, देख लेते हैं। वी टेक सिंपल एवरेज ऑफ ऑल पास्ट पीरियड, सारे पास्ट पीरियड का टोटल करोगे, सिंपली मंथली आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड बाई 12 कर दोगे। क्लियर, फॉर्मूला भी आपको पता होगा गाइस, बहुत इजी है ये। सम करते हैं टोटल डिमांड को डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड कर देते हैं। मूविंग एवरेज में क्या लेते हैं, मूविंग एवरेज जो रहता है वो इम्पोर्टेंस बताता है सारे पास्ट इवेंट्स का। ठीक है गाइस, मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप मतलब ना कुछ नंबर्स को सेलेक्ट कर लेते हो और फिर उसका एवरेज लेते हो। तो देखो नंबर कर लोगे आप, चूज कर लोगे और उसके बाद फिर उससे डिवाइड कर दोगे जितने नंबर रहेंगे टोटल। समझ लो कि आपने 10 नंबर सेलेक्ट किए थे तो 10 से डिवाइड करोगे, इसमें 10, 20, 80, 60 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड करोगे। क्लियर, वेटेड एवरेज में अपन वेट असाइन करते हैं हर चीज़ को, जैसे कि आपको इस प्रैक्टिकली से ज़्यादा समझ में आएगा बट मैं बताने की कोशिश करती हूँ। लाइक उसके वेट के हिसाब से उसको अलॉटमेंट मिलता है। ठीक है, जितना भी वेट रहेगा उससे अपन को करते जाना, समझ लो ये इसको वेट आप 10% दिए, 20% दिए, 30% दिए, उस हिसाब से अपन डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम सीरीज क्या होता है, टाइम सीरीज जो रहता है वो रिलेटेड रहता है पास्ट पैटर्न ऑफ सेल्स से। ठीक है, और ये वेरी सिंपल और इनएक्सपेंसिव तरीका होता है कोई भी चीज़ करने का, मतलब ट्रेंड देखा जाता है कि पहले ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, कैसा था, ट्रेंड्स देख के उसको एनालाइज करते हैं। लीनियर ट्रेंड ये जो होता है ना, ये अप्रोप्रिएट टाइम सीरीज होती है जो कि हमको ट्रेंड राइज होता है जब डिमांड का तो पता चलता है। ठीक है, सेल्स और टाइम ही के बीच में ट्रेंड बताता है ये। रिग्रेसिव एनालिसिस जो होती है ये एलजिब्रा का एक फॉर्म होता है। ठीक है, रिग्रेसिव इक्विटीज इक्वेशंस सॉरी इक्वेशंस एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप जिसको डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, और इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है, इसका सम्स अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं जाता है इक्वेशन मेथड, जिसमें अपन दो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ये अपन पढ़े हुए हैं सब मैथ्स में बचपन में। फिर बैरोमीटर मेथड होता है, इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे इसको समझ में आएगा। बैरोमीटर मेथड पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर्स लोगे आप, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स लोगे या फिर कस्टमर पर इंडेक्स लोगे,
और उसके बाद फिर लीडिंग इंडिकेटर जो रहते हैं फोरकास्टिंग के, उसको देखेंगे अपन, उसी से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। इसके बाद हम लोग डिटेल में मार्केट चैप्टर डिस्कस करेंगे, मतलब मार्केट वाला टॉपिक। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।